जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताए, यही बात इन दीपकों ने बताए, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। अरे देव दुर्लभ मिला है ये जीवन, नहीं भोग में ही खपे देह पावन। अरे देव दुर्लभ मिला है ये जीवन, नहीं भोग में ही खपे देह पावन। यही बात इस माध्यम से बताई, यही बात इस माध्यम से बताई, जन्मदिन की बधाई बधाई। आज हम सबका सौभाग्य है आदरणीय माता जी का अमृत महोत्सव मनाने का, हम सबका बहाना है, लेकिन हम सब अपना खुद का महोत्सव मनाने आए हैं। जहाँ चारों ओर टेसू के फूल खिले हों, भवरे और मधुमक्खियाँ जिसका रस पीती हो, चारों तरफ पतझड़ प्रकृति अपना यौवन धारण करती हो, और बसंत ऋतु की हल्की हल्की मीठी मीठी गुलाबी ठंड के साथ एक सुंदर सुहावनी सूर्य की धूप लगती हो, और चारों तरफ चहचाते हुए पक्षियों का खग गायन होता हो, गायों के कंठों की ओम की नाद होती हो, जहां गायत्री और गुरु के और गीता के गुणगान होते हो, ऐसी पूज्य गौ माता सुरभि की पावन तपोभूमि पर और हमारी ऋषि युग्म की पावन रचनात्मक विधा के तीर्थ में गायत्री धाम के इस सतपुड़ा के आंगन में आप लोगों का आगमन होना ऋतुराज बसंत में। आदरणीय राजू भाई ने जब सब भाई बहनों का चयन किया तो इस तपोभूमि को सौभाग्य दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की, हमारी ब्रह्म कुमारी की उन बहनों को आमंत्रित किया, उन गुरु भाई बहनों को आमंत्रित किया जो अध्यात्म मार्ग का निरंतर अनुसंधान करते हैं, और इस पवित्र आत्मबोध के कार्यक्रम में, जीवन विद्या के कार्यक्रम में, परिवार प्रबंधन के कार्यक्रम में, जीवन मूल्यों की गरिमा के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका होना, अर्थात शर्मा जी के चोपड़ावासी परिवार के स्नेही स्वजन, कुटुंबी परिजन, इष्ट मित्र, हमारे गायत्री परिजन और नगर चोपड़ा और आसपास दूर दूर से आप सब पधारे हैं। ये कौन लेकर के आया?
एक रिश्तों का चुंबक लेकर के आया। आज इस समय कहाँ व्यक्ति के पास समय है, पड़ोसी से पड़ोसी को मिलने का समय नहीं है, लेकिन मैं निश्चित ही मानूंगा कि आदरणीय शर्मा जी ने इतने सारे भाई बहनों को बुलाया, मतलब इन्होंने पहले कभी बोया होगा। बोने वाला ही दुनिया में काटता है, और यदि हम कुछ बोते हैं तो जरूर हमें काटने को मिलता है, चाहे वह हमारे घर की खुशियों के कार्यक्रम हो, चाहे किसी दुख के कार्यक्रम हो, चाहे कोई विवाह दिवस जन्म दिवस हो, या फिर हमारे घर परिवार का कोई आंगन का उत्सव हो। वहाँ यदि कोई चार मेहमान भी आते हैं तो खाने पीने नहीं आते हैं, वो आपकी गरिमा बढ़ाने आते हैं। तो आदरणीय राजू भाई की हृदय में और सद्य माता जी के हृदय में आपका यहाँ आना ही इतना बड़ा उपहार है। आप सबका यहाँ उपस्थित होना आदरणीय माता जी के अमृत महोत्सव का अमृत पान के बराबर है। क्यों? अपने स्नेही स्वजनों को, अपने कुटुंबी जनों को, अपने आचार्यों को, अपने गुरुजनों को, अपने सम्मानी, अपने नाती पोती भांजे भांजी बेटा बहुओं को एक छत के नीचे जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु। जिस भारतीय परिवारों में भारतीय मूल्यों की जो अवधारणा वेद उपनिषद ऋषियों ने करी है वह हमें साकार होते दिखाई देते हैं। अन्यथा आज हर कार्यक्रम नाचने गाने खाने फटाके फोड़ने और उत्सव में बदल गए, प्रेरणाओं में नहीं बदले। यही हमारी भारत भूमि का, यदि कोई पूछे तुम्हें कि दुर्भाग्य क्या है, तो हमारे रीति रिवाज परंपराएं ब्याह शादी जन्म दिवस ये सब होटलों और ढाबों की भेंट चढ़ गए हैं, ये सब सड़कों पे डीजे पे नाचने और फटाके की भेंट चढ़ गए, मेकअप और ब्यूटी पार्लर और फैशन और प्रदर्शन की भेंट चढ़ गए हैं। जबकि इनकी आवश्यकता किस लिए थी? मानव मूल्यों को तरासने के लिए, उन्हें निखारने के लिए, उनकी भूली भटकी हुई स्वस्थ परंपराओं के पुनर्जागरण के लिए। हम यहाँ कोई समय बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम आपको आत्मविश्वास से कहेंगे, यदि आप यहाँ से उठेंगे और जब घर जाएंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, भरे हाथ जाएंगे, और वो हाथ लेकर के जाएंगे, वो हृदय लेकर के जाएंगे, वो चरण की नई प्रेरणाएं लेकर के जाएंगे, जिससे कि हम सबके जीवन में यह अमृत महोत्सव अमृत का काम करेगा। कभी समुद्र मंथन की कहानी आपने सुनी होगी, तो एक तरफ देव एक तरफ दानव, एक तरफ सदप्रवृत्ति एक तरफ दुष्प्रवृत्ति ने अपना पूरा पुरुषार्थ किया, और बदले में 14 रत्नों की जब अवतरण हुआ तो हलाहल विष भी आया, लेकिन विष को लेने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन उस हलाहल को महादेव नीलकंठेश्वर बन करके विष धारण करते हैं। महादेव का मतलब, शिव का मतलब सृजन करने वाले, कल्याण करने वाले, सबका हित करने वाले। शिव जी की मात्र मूर्ति का मैं बात नहीं कह रहा हूँ, शिव का मतलब हम सबके अंदर एक शिव पिंड है, हम सबके अंदर एक परम चेतना का अंश है, और हम सब देह देवालय में शिव के अवतार हैं। हम सब लोग शिवत्व की ओर जाना चाहिए, शिवत्व की मतलब हमें सबको कल्याण मार्ग की ओर जाना चाहिए। तो आज हम लोग इस पावन जन्म दिवस के माध्यम से कल्याण मार्ग की प्रेरणाएं लेंगे, और इस क्रम को जब प्रारंभ करेंगे तो इसमें अद्भुत विधान होगा। बहन जी, ये छोटे बच्चे वाली बहन, खड़ी हो जाओ, पीछे चले जाओ, लास्ट में जिसका भी बच्चा बीच में चिल्लाए तो उसने इतनी कृपा करनी चाहिए कि किसी सभा का माहौल न खराब करके छोटे बच्चे को बाहर घुमा देना चाहिए, आवाज़ तो बाहर भी आ जाएगी। भाइयों बहनों, सबसे पहले कार्यक्रम में आचार्य वर्ण होगा। आचार्य किनको कहते हैं? जिनके आचरण से हम सीखते हैं और जिनके आचरण में हमें प्रेरणाएं मिलती है। तो आचार्य तत्व को हमारे यहाँ पर ऋषियों ने मानवीय संवेदना के रूप में हृदय कहा और मानवीय प्रखरता के रूप में दिमाग कहा। तो दो जगह आदमी को हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। हृदय में सबके प्रति करुणा प्रेम संवेदना दया पवित्रता रहे, और मस्तिष्क में विवेक ज्ञान प्रखरता और अपने जीवन का नेतृत्व करने के लिए चित्त प्रवृत्तियों की सकारात्मक सोच रहे। आइए इस भावना को लेकर के हम तीन मुद्राएं करेंगे। दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए,
आचार्य वरणम वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर विराजे कर कृपा हम पर प्रणेता और संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रखर प्रज्ञा सृजल श्रद्धा पधारे शक्ति शिव बन कर पधारे शक्ति शिव बन कर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पल के बिछाए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं सब लोग सांस खींचेंगे ओम बोलेंगे लगाए हैं बायां नीचे दायां ऊपर अंगूठा मिला हुआ उपाचार्य जल पात्र लेकर के आदरणीय माता जी सम्माननीय मंच का जलाभिषेक करेंगे पवित्रीकरणम् पवित्रता की देवी गंगा नर्मदा यमुना सरस्वती का ध्यान करें किसी भी कार्य को पवित्र अंतःकरण से किया जाता है और पवित्र व्यक्ति की तीन पहचान है वो महान कार्य करते हैं महान रास्तों पे चलते हैं उनकी आत्मा मन में शांति का वास रहता है और यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान का दूसरा नाम क्या है उसका नाम है शांति आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है उसका नाम है शांति आत्म संतोष और आत्म शांति में प्रवेश करती है जल जैसी निर्मलता जल जैसी शीतलता जल जैसी सजलता तो आप सब लोग ऐसे हाथ हृदय के पास रखें यहाँ विधान हो रहा है उपाचार्य जल अभिषेक करेंगे माता जी का आचार्यों का उपाचार्यों का जल सिंचन प्रारंभ ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यहि स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यां तरः शुचि ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु आदरणीय राजू भाई उनकी धर्म पत्नी देव मंच पर प्रकाश का गुरु का गायत्री का गणेश गौरी का पूजन करेंगे हम सब लोग हाथ जोड़ें किसी भी श्रेष्ठ कार्य में देवताओं को वरण किया जाता है जैसे आपको बुलाया ऐसे देवताओं को देव मंच पर पूजन करेंगे पूजन सामग्री वहाँ रखिए अक्षत पुष्प हाथ में ले लें आप दोनों दंपत्ति मंत्र पूरा होने पर कलश दीपक माँ गायत्री गुरु चरण कमलों में समर्पित करें ओ माया तु वरदे देवी त्रयाक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते ब्रह्मयोने नमस्तुते ओम अभिप्सिद्यार्थम सिद्ध्यर्थम
पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। दीप पूजनम्। दीपक चेतना, प्राण और प्रकाश का प्रतीक होता है। हमें सतत अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देता है। दीपक के आसपास जल अक्षत पुष्प से पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिः ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। कलश पूजनम्। आइए आदरणीय माता जी, तत्वों के रूप में पांच तत्व से जो देह देवालय बना है उसका प्रतिनिधित्व मंगल कलश करता है। मंगल कलश में आदरणीय माता जी अक्षत पुष्प लेकर के जल अर्घ से अभिषेक करके कलश पूजन करेगी और ये भावना करेगी कि जिस घट को पंच तत्वों ने घटाया है, आकाश जैसी विशालता दी है, हवा जैसी गतिशीलता दी है, सूर्य जैसी प्रखरता, जल जैसी निर्मलता, धरती जैसा धैर्य, हे पंच तत्वों, जिस काया पिंड का आपने निर्माण किया, आज मुझे अपने काया पिंड के साथ हरे भरे परिवार, इष्ट स्वजन, मित्रों, गुरुजनों के साक्षी में अपना अमृत महोत्सव मनाने का जो मुझे इस निखिल ब्रह्मांड प्रकृति माता ने अवसर प्रदान किया है, तो आइए कृतज्ञ भाव से आदरणीय माता जी पंच तत्वों का पूजन कर रही है। और जन्म दिवस पर दीपक बुझाना, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, गुब्बारे फोड़ना, हैप्पी टू व्यू के नारे लगाना या फिर किसी होटल में पार्टी करना, ये जन्मदिन का अर्थ नहीं है। जन्मदिन का भाव होता है जिसने हमें बनाया उसका आभार मानना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके प्रति अपनी हृदय की मंगल कामनाएं व्यक्त करना। तो आदरणीय माता जी पंच तत्वों को नमन वंदन पूजन करें। ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा सास्ते यजमानो हविर्वेहि अहिडमानो वरुणे अबुद्धऋषिगुं समान आयु प्रमोसि। ॐ मनोर्जुतिरजस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठयज्ञगुं समिमं ददातु। विश्वे देवास हि मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं निवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आप लोग आसन पुनः ग्रहण करें। हम सबकी प्रतिनिधि की ओर से आज के हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से आई है, वो दीपक तत्व कलश गुरु चरण कमलों से एक माला का पूजन करके आदरणीय माता जी का बहुमान करेगी। हम सब की ओर से मंगल कामनाओं का आदरणीय माता जी को पुष्प हार से उन्हें सम्मानित करेंगे। आइए उनके हीरक जयंती, उनके अमृत महोत्सव का बहुमान, गुरु चरण कमलों का अभिमंत्रित पूजित तत्व शक्तियों का मंगल पुष्प आहार आप सब लोग इस प्रकार से फूल खिलाएं और सब लोग इस पुष्प आहार में नमन वंदन देव शक्तियों को करें। नमः का उच्चारण आप सभी करते हुए प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री धाम की व्यवस्थापिका आदरणीय मीरा जी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से पधारी हुई हमारी ब्रह्म कुमारी बहन को पुष्प गुच्छ दे करके बहुमान करेंगे और आप सब लोग पुष्प खिलाएंगे। हमारी मातृ शक्तियों के साथ, माता जी के साथ सब मातृ शक्तियों का सम्मान आदरणीय मीरा जी जी और फिर आदरणीय राजू भाई और उनकी पत्नी
सध्या जीजी को पुष्प गुच्छ दे करके गायत्री धाम की संपूर्ण आचार्यों का सम्मान करेंगे। आइए, हम सब ने आदरणीय बहन जी का सम्मान किया, दूसरा पुष्प गुच्छ उधर रखा हुआ, आइए आदरणीय मीरा जी जी को दें। गायत्री धाम के सभी आचार्यों गौ माता सुरभि का सम्मान हो रहा है और यहाँ के पूरे जीवनदानी कार्यकर्ताओं का शर्मा जी परिवार की ओर से सम्मान हो रहा है और आप सब भाई बहनों को इस रूप में इस तीर्थ में आने का सम्मान हो रहा है। हाथ गोद में रखें। भाइयों बहनों, देव पूजन अतिथि देव भव मातृ देव भव के सम्मान के बाद एक अद्भुत कार्यक्रम होगा दीपदान का और 70 दीप जल करके हम लोग माता जी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और माता जी के चरण कमलों का उनके पुत्र उनके दामाद उनकी बेटियां उनके निकटतम रिश्तेदारों को हम यहां पर बुलाएंगे, उनके कर कमलों से माता जी का चरण कमलों का स्नान कराएंगे और माता की पिता की दिव्य शक्तियों के आशीष। भाइयों बहनों, जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य उनका होता है जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और इससे भी बड़ा सौभाग्य उनका होता है जो किसी आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर जुड़ जाते हैं और अपने शरीर की व्यवस्था के साथ मन की इच्छाओं के साथ अपने आत्म कल्याण का रास्ता तय करके लोक मंगल के लिए जीते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसा समय मिला है जिस समय में पुनः इस धरती पर भगवत भक्तों को इकट्ठा करने के लिए ऋषियों की महान परंपराओं को जीवंत और जागृत रखने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस प्रकार की और अनेक संगठन संस्थाएं हैं जो मानव मूल्यों को जागृत करते हैं, उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का बोध करा करके उनके जीव चेतना को शिव चेतना की ओर, मानव को महामानव की ओर, पुरुष को पुरुषोत्तम की ओर। यदि आपसे कोई बोले कि पुरुष किसे कहते हैं, जो अपने लिए जीता है अपने बाल बच्चों के लिए जीता है उसे पुरुष कहते हैं, और कभी कोई तुम्हें कहे कि पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, जो परमार्थ के लिए जीता है आत्मकल्याण के लिए जीता है अपनी मर्यादाओं को जीवन में उतार के जीता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो बड़ी यात्रा किसकी है, पुरुष की कि पुरुषोत्तम के? पुरुषोत्तम की यात्रा बड़ी है और पुरुषोत्तम की यात्रा के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बन गए, प्रभु श्री राम बन गए। अर्थात वो तो एक क्षत्रिय के बेटे थे, एक राजकुमार थे, ऐसा भी नहीं कि कोई ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन जब उन्होंने पुरुष से पुरुषोत्तम की गुरुओं की आज्ञा से वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा जब उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई और उनको यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए, तब उनके अंदर मातृ पितृ भक्ति सुशासन भ्रात भक्ति नारी के प्रति स्नेह ममत्व की भक्ति छोटे और बड़े का भेद मिटा करके एक सबको कुटुंब के साथ लेकर के सुशासन सुप्रशासन सुनेतृत्व की जो शक्ति आई वो मर्यादा पुरुषोत्तम में इसलिए आई क्योंकि पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए थे। आपसे निवेदन है कि यदि सामान्य जीवन जीना हो तो उसमें पुरुष की उपाधि बहुत बड़ी है और यदि असाधारण जीवन जीना हो एक विलक्षण जीवन की यात्रा करना हो तो उसके लिए पुरुषोत्तम बनना पड़ता है। अब आपका प्रश्न है कि सब पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आत्मनिर्माण करना पड़ेगा। ये बात मैं केवल 5 मिनट में बताऊंगा, वो 5 मिनट की बात जिसको समझ में आ जाएगी उनको पुरुषोत्तम बनने के यहां से 3 सूत्र मिल जाएंगे। हमारे ऋषि कहते हैं पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के लिए आत्मानुसंधान करना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, आत्मशोधन करना पड़ता है, आत्म उत्कर्ष करना पड़ता है और आत्मा का बोध में जीना पड़ता है। तो आप बोलेंगे करना कैसा पड़ेगा, इसके लिए कोई माला की जरूरत नहीं, कोई फूल की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को स्वयं के केंद्र में जाने की आवश्यकता है, स्वयं के अंदर जाने की आवश्यकता है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि बाहर जितना भी जाओगे उतना धोखा ही धोखा मिलेगा, बाहर जितना भी जाओगे कर्मकांड प्रपंच और आपके जीवन को कहीं बाड़ों में ही बनना पड़ेगा, और यदि आप अपने अंदर जाना चाहते हो अपनी आत्मा के दर्शन करना चाहते हो तो
तो उसके लिए आज के ऋषियों के 3 सूत्र ये कोई मैंने नहीं बनाए, उपनिषद के ऋषि ने लिखे 3 सूत्र। और उपनिषद का ऋषि लिखता है कि मनुष्य को प्रकृति माता ने 3 चीजें कूट कूट करके दे रखी है, चाहे वो किसी भी मुल्क देश दुनिया में व्यक्ति रहता हो उसके पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है, उसको गुणों का भंडार दे करके भेजा है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते देखा, बोले इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ चले जाएगा, ये 100% झूठी बात है। व्यक्ति भगवान का खजाना लेकर के आता है और कर्मों की पोटली साथ लेकर के जाता है। क्या बोला, भगवान का ईश्वर का प्रभु का व्यक्ति खजाना लेकर के आता है जीवन में। 84 लाख योनियों में मनुष्य को नारायणी शक्तियां जो मिली हुई है, तो भगवान के दिव्य गुणों की शक्तियां हमारे अंदर है। और वो खजाने को जब हम यहाँ जागृत करते हैं और हम जीवन में जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं चाहे बुरे कर्म करते हैं, इसमें से कोई एक कर्म भी यहाँ छूटने वाला नहीं है। सत्कर्म भी साथ जाएंगे, दुष्कर्म भी साथ जाएंगे, और दोनों का जवाब हमको ही देना पड़ेगा। यहाँ कोई कुटुंब कबीला कोई भगवान साथ देने वाला नहीं है, आपकी जवाबदेही है कि आपको क्या कमाना है। और दूसरा सूत्र और बड़ा अद्भुत है, ऋषि लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गुणों का खजाना जागृत करना हो तो आज से एक काम करना शुरू कर देना, अपने दुर्गुण देखना और दूसरों के सद्गुण देखना, और भूल करके भी किसी की निंदा चुगली और आलोचना मत करना। गुण बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आत्म समीक्षा निरंतर करते रहना कि मुझे जो करना था वो मैंने करा कि नहीं करा, मैंने अपने आप को देखा कि नहीं देखा। अक्सर हम दूसरों को देख लेते हैं और अपने को देखना हम भूल जाते हैं, यही आदमी का अंधापन है। अंधा उसे नहीं कहते, नेत्रहीन उसे नहीं कहते, विकलांग उसे नहीं कहते हैं जिसकी आंखें नहीं है, नेत्रहीन उसे भी कहते हैं जो स्वयं को नहीं देखता है। और स्वयं को देखने का नजरिया इन आंखों में नहीं होता है, वो होता है प्रज्ञा चक्षु में, ज्ञान चक्षु में, और वो होती है अंतर आत्मा के दिव्य चक्षु, जिसे आप विज्ञान की भाषा में पिनियल ग्लैंड कहते हैं, जिसको योग की भाषा में अज्ञा चक्र कहते हैं, और जिसको देवों की भाषा में अर्ध नारी नटेश्वर शिव का चक्र स्थान कहते हैं, अपना ललाट, अपना ये दिमाग का पूरा केंद्रीय कार्यालय। यहाँ से आपको गुणों की सतत प्रेरणा मिलती है, आप उसको गुणग्राही बने। आप जो देखते हैं ना वही दुनिया आपको बना देती है। आप रोज बुरी बुरी देखते रहो, बुरे बुरे बोलते रहो, एक दिन आप वैसे ही बन जाओगे जैसे आप बोल रहे हो, जैसा आप देख रहे हो। अगला और महत्वपूर्ण सूत्र है भाइयों बहनों, दूसरा सूत्र जिसको हमारे ऋषि कहते हैं कर्म। हम दुनिया में सब कर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखना कर्म योगी की तरह कर्म करें, कर्म को भोग के लिए नहीं करें, कर्म को वासना के लिए नहीं करें, कर्म को तृष्णा के लिए नहीं करें, कर्म को अहमता और अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करें। कर्म हमारे प्रेरणादायी होना चाहिए। और कर्मयोगी कौन होता है, जो कर्मों के फलों को त्याग करके जो भी परिणाम मिलता है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना, और कैसा भी बुरा से बुरा कर्म मिले या बुरा से बुरा परिणाम मिले, लेकिन उस कर्म में अपने जीवन का ऐसा भाव मिला देना कि उस कर्म को करने के बाद मुझे आत्मसंतोष मिले, किसको मैंने पूरे आत्मसमर्पण से किया, परिणाम के लिए नहीं करना है। और कर्म को कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं करना, कर्म को कला मान करके करना। कुछ लोग कर्म को भार मान करके करते हैं, इसलिए वो कर्म करने के पहले ही थक जाते हैं। क्यों, क्योंकि भार समझते हैं। आज घर में भी देखो आप, कोई गृहिणी को थोड़ा 2-4 लोगों का भोजन बनाना हो और यदि वो भार मान के करेगी ना तो थाली उठाने में भी उसको वजन लगेगा, एक कटोरी आटा निकाल के गीला करने में भी उसको पसीना आ जाएगा। और जब वो कला मान के करेगी, अवसर मान के करेंगे, तो वही कठिन से कठिन कर्म भी आसान हो जाएंगे। अपने नाम नेपोलियन का सुना होगा, अल्पस पर्वत के पास वो खड़े थे और उन्होंने 17 दोस्तों के बीच में कहा इसको एक ठोकर मारूंगा मैं जगह ले लूंगा। कोई सोच नहीं सकता है नेपोलियन ने वो कर्म अपने उत्साह से करके दिखाया। इसलिए कर्म को करते समय हमेशा उमंग और उत्साह से भरे पूरे रहना चाहिए। अगला और तीसरा और अंतिम सूत्र बड़ा मार्मिक है आत्म जागरण का, स्वभाव। क्या बोला,
बोलो स्वभाव। स्वभाव के बारे में अपने से अच्छा अपने को कोई नहीं जानता है, और इसको किस जेल में ले जाओगे, किस न्यायालय में ले जाओगे, किस न्यायाधीश के पास ले जाओगे जहां इसको न्याय मिल जाए। मान लो कि आपके स्वभाव में क्रोध करना, गाली देना, आपके स्वभाव में बार बार में किसी की आलोचना करना, आपके स्वभाव में रूठ जाना, नाराज हो जाना। कई बार हमारे स्वभाव के कारण हमारे घर का अच्छा माहौल एक मिनट में बिगड़ जाता है। मान लो दिवाली की खुशी है, दशहरे की खुशी है, राखी की खुशी है, और घर में किसी एक ने थोड़ी सी नाराजी कर दी, मेरे को नहीं खाना है, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं बात करना है, मेरे को नहीं अच्छे कपड़े पहनना है। देखो कुछ ही मिनट में घर का साल भर का त्यौहार की खुशियाँ एक मिनट में मातम में बदल गई, दुख में बदल गई, निराशा में बदल गई। सुंदर परिवार आंखों में आंसू लेकर के कुरूपता में बदल गया। एक छोटी सी बात है, क्या आप जीवन भर नहीं खाओगे, क्या आप जीवन भर नहीं पहनोगे, क्या आप जीवन भर कहीं जाओगे नहीं? तो फिर आज का माहौल आपके स्वभाव के कारण खराब हो रहा है। तो सब करना, लेकिन स्वभाव दोष को हमेशा अपने दोष का मूल्यांकन करते रहना, और स्वभाव दोष जहाँ भी प्रकट हो ना उसको दबाने के लिए किसी की प्रतीक्षा मत करना। आप अपने व्रत से, अपने स्वभाव से अपने को ठीक करने की साधना करना। वो कैसे करना? जैसे आपको मान लिया जाए कि आज मोबाइल की क्रांति है, और मैं कभी गांव में जाता था तो लोग कहते थे हमारा गांव सबसे अच्छा है। फिर कुछ दिनों बाद में गया तो वो लोग बोलने लगे हमारा मोहल्ला सबसे अच्छा है। वो कुछ दिनों बाद गया तो बोलते थे हमारा समाज सबसे अच्छा है, और अब जाते तो लोग बोलते मेरा घर सबसे अच्छा है, और अभी तो कुछ लोग ऐसे बोलने लग गए मेरे घर के लोग अच्छे हैं, अब तो कुछ लोग ऐसे बोलने लग गए कोई भी अच्छा नहीं, मेरा मोबाइल सबसे अच्छा है। और मोबाइल सबसे अच्छा इसलिए है कि अब उसको किसी दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसमें परेशान है। और लोगों के डायलॉग सुनने में आप आश्चर्य करोगे, लगभग 65 करोड़ लोग, कितना बड़ा आंकड़ा है, लगभग 65 करोड़ लोग मोबाइल के ऊपर केवल इसी काम में लगे हुए हैं। उनको कोई सोचता नहीं, न उनको भूख लगती, न माँ बाप दिखते, न कोई काम धंधा दिखता, न कोई धर्म दिखता, न कोई संस्कृति दिखती, न कोई ध्यान दिखता है, न कोई गली मोहल्ले के सूखे पेड़ दिखते हैं, न प्यासी गाय दिखती है, न घर के कोई बीमार दिखते हैं, न उनका शरीर का भी उनको ध्यान नहीं, उनको न भूख लगती न प्यास लगती, बस इसी में परेशान है 65 करोड़ लोग। एक तरह से पूरी दुनिया आत्महत्या की तरफ जाना चाहती है। हम जब आत्मनिर्माण की बात कर रहे हैं, वहाँ दुनिया अपने को मिटाने की तरफ जाना चाहती है। आपसे निवेदन है कि अपने स्वभाव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपास करना चाहिए। कैसा? आज मेरा गुरुवार है, आज मैं इंटरनेट का, मोबाइल का उपयोग नहीं करूँगा। जैसे हम लोग जीवन में मोबाइल रखते ही नहीं है, मोबाइल यहाँ नहीं, हमारे पास भी मोबाइल नहीं मिलेगा तो हमारे पास क्या कमी साहब? ध्यान करो, दुनिया की कौन सी चीज़ चाहिए प्रकट हो गए। मोबाइल किसने बनाया? आदमी के दिमाग ने बनाया। आदमी के दिमाग से जो भी चीज़ बनी हुई है वो इंसान की मति से सब छोटी चीज़ें हैं। केवल 7% के चमत्कार से विज्ञान पैदा हुआ है। अभी तो बहुत सारा दिमाग में बाकी है, उसको जगाया जा सकता है उपासना से, ध्यान से, सत्कर्म से, अपनी मस्ती और अपने आनंद से। जो 40 मिनट से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करता है वो अपने न्यूरॉन्स को, अपने ब्रेन को, अपनी कोशिकाओं को, अपने खून के प्लाज्मा को जला रहा है, और अनिद्रा का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, लाइलाज असाध्य बीमारी सर्वाइकल का शिकार होगा, लंग्स फेफड़ों का कैंसर का रोगी बनेगा। शायद आपको जानकारी में होना चाहिए, हमारे यहाँ आविष्कार हो जाते हैं और उसके दुष्परिणाम 10 साल बाद समझ में आते हैं, जब वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने गलत चीज बना दी। हरित क्रांति के नाम पर जब यूरिया डीएपी प्रदर्शनी लगा करके बेची जाती थी, आज उसी को सरकार, उसी को वैज्ञानिक बंद करने की बात कर रहे हैं। क्या कारण है साहब? उसके परिणाम धरती माता मर रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए भी अपने स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा। आप ज़्यादा नमक खाते हो, चीनी खाते हो, होटलों का खाते हो, अधिक से अधिक घर के बाहर का खाते हो, तो अन्न में 3 चीज़ें रहती है, स्थूल संस्कार, सूक्ष्म संस्कार, कारण संस्कार।
गीता में कहा गया है आपको जो बनना है वैसा भोजन खाइए, यदि साधक बनना है तो आप सात्विक भोजन खाइए, और यदि आपको केवल खाने के लिए जीना हो तो राजसी भोजन खाइए, पकवान खाइए, और यदि आपको स्वयं को इंसान से शैतान बनाना हो तो आप अभक्ष भोजन खाइए, प्याज लहसुन अंडे मुर्गी मांस मछली खाइए, ये भी भोजन है। लेकिन ये तीनों भोजन तीन चीज़ें देंगे, पहले भोजन से देवत्व जागेगा, दूसरे भोजन से अस्पताल जागेगा, और तीसरे भोजन से जेल जाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, पेट खराब होगा, समय से पहले मरना पड़ेगा। तो अब निर्णय आपको करना है, दुनिया को करना है कि हमें खाना क्या है। आज आपका सौभाग्य है पूज्य गौ माता की तपोभूमि पर माता जी के अमृत महोत्सव में आत्मशोधन के सूत्र मिले, इसे जीना है, अभ्यास करना है। अब बड़े सम्मान के साथ आदरणीय माता जी के परिवार परिजनों के दोनों बेटे, आप कितने भाई, दोनों भाई के बेटे बेटियां, दोनों भाइयों के बहुएं, दोनों भाइयों के दामाद, दोनों भाई उनके बच्चे मंच पर आ जाए। भाइयों बहनों ध्यान से सुनना, माँ शब्द का न तो प्रारंभ होता है और न अंत होता है। जो सशक्त और शाश्वत और सशक्त और समर्थ होती है, पूर्ण और ब्रह्म होती है, उसको वेदों में माँ कहा गया है। और यहाँ तक कि नारी को भी इस धरती का तीर्थ कहा गया है, और नारी मात्र को माँ कहा गया है। इसलिए हम सब लोगों के इस पुनीत देवभूमि भारत भूमि पर सबसे पहला सूत्र जो बोला गया है आरण्यक और ब्रह्म पुराण में, उसमें कौन सा शब्द बोला गया, मात्र देवो भव। बोलो तो मेरे बाद मात्र, और दूसरा सूत्र बोला पितृ देवो भव, और तीसरा सूत्र बोला आप सबके लिए बोला अतिथि, और फिर अगला क्या बोला परस्पर, मतलब हम भी आपस में सब देव हैं। बोलो परस्पर देवो भव, और फिर अंतिम सूत्र क्या बोला आचार्य देवो भव, मतलब जो आपको सिखाते हैं इनकी वाणी इनका ज्ञान आचार्यों के उपदेश, ये भी सब देवताओं के वचन है, और ये सब मिलकर के हमारे अंदर देवत्व जगाते हैं। तो अभी आदरणीय माता जी का उनके परिवारजनों की ओर से अब हम छोटा सा कार्यक्रम कराएंगे, और आप लोग अपनी जगह से ही जैसा प्रसंग आएगा, हर माँ कहती है कि मेरे आंगन में भगवान ने आज पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया, और हम जब कोई ब्याह शादी की पत्रिका भी लिखते हैं ना तो उसमें क्या लिखते हैं, सुपुत्र और बेटी की जगह पर सुपुत्री। अब बताइए सुपुत्र और सुपुत्रियों का जो संसार भगवान ने दिया है वो संस्कारों के आंचल में पलता है। तो आइए आदरणीय माता जी के पावन चरण कमलों को उनको स्नान करा करके एक परिक्रमा करके जिसका काम हो जाएगा वो पीछे खड़ा होता जाएगा। तो पहला आप दोनों बहुएं बैठे और भाई लोग जल डालें, आप चरणों को स्नान कराएं और थोड़ा सा फिर हाँ आइए गीत की चार पंक्तियां, ये भाई लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। आइए आप सब लोग फूल खिलाएंगे और इनको आशीर्वाद आप भी देंगे, माँ तो इन दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रखेगी ही। मेरा जिस दुनिया में लाया मुझे बोल न चल न सिखाया, ये उनके बेटे कह रहे हैं, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता। अब एक परिक्रमा करेंगे एक माँ के, जोड़े से परिक्रमा करेंगे हाथ जोड़ करके, इससे बड़ा तीरथ गणेश जी को नहीं मिला तो हमको कहाँ मिलेगा। गणेश जी ने अपनी माँ की परिक्रमा करके ही धरती की परिक्रमा करी थी। अब साष्टांग प्रणाम करेंगे, घुटने टेक करके माता को नमन करेंगे साष्टांग प्रणाम। हमारी संस्कृति का पहला संस्कार है मात्र देव भव, हम इसका कोई ऋण पूजा अर्चना करके चुका भी नहीं सकते हैं,
लेकिन क्या हमारी वो भावनाएं, क्या हम तीर्थ रूप में माँ को मान करके ऐसा बहुमान जरूर करना चाहिए अमृत महोत्सव पर। अब राजू भाई उनकी बेटे बेटियां नाते पोते में से उनके बच्चे आ जाएं दोनों भाइयों के और वो सम्मान करें माता जी का पुष्प चढ़ा करके, इनके हाथों में पुष्प दे दे चढ़ाएं और परिक्रमा करें। पुष्प चढ़ा आप लोग पीछे सरक जाओ। मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आइए अब हमारी तीनों बेटियां आ जाएं, माता जी की तीनों बेटी और दामाद, आइए तीनों बेटी और दामाद आ जाएं। दामाद के लिए भी सासू माँ होती है, जिन्होंने अपनी कली के टुकड़ों को काट करके पाणी ग्रहण कन्यादान में हंसते हंसते अपनी बेटियां दे दी हो, ते माँ के प्रति आभार करने के लिए आए अमृत महोत्सव पर। अपनी बेटियां अपने पति देव के साथ अपनी माँ के उन क्षणों को याद करती है जब मंडप सजा करके अपने घर की ओर उन्हें, हमेशा बेटी अपने पिता की मेहमान होती है और धरती पर उनका घर कहीं और होता है, तो उनके दामाद भी हमारे लिए बधाई के पात्र हैं। फूल खिलाएं कि जिन बेटियों को प्रभु ने इतना अच्छा परिवार दिया। अब भांजे भांजियां आ जाएं और वो पुष्प चढ़ा करके एक परिक्रमा करके अपनी इधर जगह पर आ जाएं। अगले तैयारी हमारे स्वयं सेवक इनके हाथों में तालियां एक साथ गुरु प्रभु दीपक जला रहे। प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सभी आज यहाँ पर जो उपस्थित है, आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर त्रिवेणी संगम हुआ है और संगम का बहुत महत्व रहता है। आज हम आदरणीय राजू भाई के माताजी उनके अमृत महोत्सव के निमित्त यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ पीठ के प्रमुख मेवालाल जी और साथ ही उनके साथ में मीरा दीदी जी और साथ ही हमारे ब्रह्मा कुमारी मंगला दीदी जी और सारा ईश्वरीय अलौकिक लौकिक परिवार, तो उसमें त्रिवेणी संगम ये रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और साथ ही गायत्री शक्तिपीठ दूसरा और तीसरा, आप सभी इस दोनों परिवार से जुड़े हुए सारे लौकिक संबंधी तीनों प्रकार से यहाँ पर आज बहुत ही ये अनोखा प्रोग्राम हुआ है। तो इसलिए आज इस त्रिवेणी संगम में हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि हम एक अमृत महोत्सव के अंदर एक विशेष आत्मा के अमृत महोत्सव के निमित्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा आज सवेरे से लेकर के जो आज आप देखेंगे जो समय जा रहा है कितना अच्छा जा रहा है। तो इस त्रिवेणी संगम में सबसे पहले पिता परमात्मा शिव और साथ ही उनकी शिव शक्ति गायत्री माता और उसमें परमात्मा शिव जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के शांति पिता है, शांति का जो विशेष शक्ति है शांति की वो हमें देने वाले हैं परमात्मा शिव। और गायत्री की महिमा है कि वो सदा ही मनुष्य के मन को हर्षाती है। तो दोनों ही जो विशेष हम मनुष्य आत्माओं के लिए आवश्यकता है, जैसे हमारे शरीर चलाने के लिए हवा की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मनुष्य आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है।
और जितनी पानी की आवश्यकता इस शरीर को चलाने के लिए होती है उतनी ही आवश्यकता सदैव मन को हर्ष और उल्लास की होती है, आनंद की होती है। तो इसी प्रकार से आज विशेष इस दोनों प्रकार से इस का अमृत महोत्सव के अंदर ये दोनों शक्तियाँ हमें इस प्रकार से सूक्ष्म रीति से मिल रही है। यहाँ हम जो कुछ देख रहे हैं ये देखने वाले हम नहीं हैं, हम वो है जिस इन दिखने वाली चीज को चलाने वाली एक अद्भुत शक्ति है ये। और इसी प्रकार से आज हमें परमात्मा शिव कैसे हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है और कैसे हम आत्माओं का, आज आप देखेंगे कि ये अमृत महोत्सव, अ प्लस मृत, अगर अ का मतलब है आत्मा, आत्मा अगर शरीर के अंदर न हो तो ये शरीर मृत हो जाता है। और ये अमृत महोत्सव हम उसी लिए मना रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा हमारी आदरणीय माताजी जो है उन बहुत दिनों से मैं उनके संपर्क में हूँ और आप देखेंगे कि आज हमारी कलावती माताजी का ये अमृत महोत्सव है और जो आत्मा इस कलावती नाम के शरीर का पार्ट बजा रही है वो अमर है और वो जिस शरीर में चल रही है वो शरीर मृत है। तो यह अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि वो 75 साल से वो आत्मा अविरत इस शरीर में रह करके कार्य कर रही है, इसीलिए अमृत महत्व है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वास्तविक में ये अमृत महोत्सव उस आत्मा का है जो 75 साल से इस शरीर के अंदर अपना कार्य कर रही है। अगर वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इस मृत शरीर को तो हम तुरंत उसकी अंतिम संस्कार हम कर देते हैं। तो महत्व है उस अमर आत्मा का जो इस शरीर के अंदर लगातार रह करके अब कार्य करती है। आप देखेंगे ये आत्मा जब तक है तब तब ही सब कुछ है, आत्मा शरीर से निकल जाए तो सब कुछ उसी समय सारा ही स्टॉप हो जाता है, उसका कार्य सारे रिश्ते नाते सब बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये सभी विशेष करके आज ये माता का अमृत महोत्सव है। आज हम इस भाग्यशाली देश के रहने वाले हैं जिस भूमि को भी एक ऐसा देश रहे संसार के अंदर कि जिस भूमि पर हम रहते हैं उसको भी माता से संबोधित करते हैं, पिता से संबोधित नहीं करते हैं, माता से संबोधित करते हैं। तो इसलिए ये भारत माता भी है, वैसे गऊ के लिए भी हम माता कहते हैं और उसी प्रकार से परमात्मा शिव के लिए कहो कि भगवान के लिए कहो, ईश्वर के लिए कहो, उसके लिए भी जब हम उसकी महिमा करते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। माता भगवान के लिए भी सबसे पहले माता का ही संबोधन आता है, इसलिए क्योंकि मनुष्य को लेकर के भगवान भी पहले माता के रूप में ही, जैसे शरीर की पालना माता को अपने 9 महीने तक अपने गर्भ में करके उस शरीर का पालन पोषण माता के उदर पोषण में होता है और जन्म से लेकर के कितना उस शरीर पे ध्यान दे करके वो माता उस शरीर का पोषण करती है और सबसे पहला गुरु भी माता को ही कहा जाता है। तो आज विशेष हम सभी भाग्यवान हैं कि हमारे सामने हमारी एक माता का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो हमें प्रेरणा देता है कि इस प्रकार से हम उसी भूमि के अंदर, श्रेष्ठ भूमि के अंदर यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर हमारी ये कर्म भूमि है और इसी प्रकार से जिस भूमि इतनी पुण्य भूमि गाई जाती है उस भूमि के लिए सारे संसार की आत्माएं इस भूमि पे जन्म देने के लिए यहाँ पर तरसती है। यहाँ तक आप बोलूं कि भगवान
और उसके देवताएं बनाई हुई आत्माएं वो भी माताओं का गुणगान करते हैं, वो भी कहते हैं आने वाली नई दुनिया के अंदर जैसे यहाँ पर इस गायत्री शक्ति पीठ का और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का आप अगर नजदीक से देखेंगे तो नए युग को लाने का कार्य दोनों तरफ से ये चल रहा है। और ऐसे नए युग में कार्य करने के लिए दोनों आज ये संगम और वो दोनों विशेष श्रेष्ठ संस्थाओं से जुड़े हुए आप सभी महान आत्माएं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये त्रिवेणी आज संगम है और इसी प्रकार से ये कार्य वो श्रेष्ठाचारी माताएं, भारत की श्रेष्ठाचारी माताएं जो श्रेष्ठ देवी देवताओं को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म देती है। तो ऐसे हमें ये हमारा ये स्वमान है, ये अभिमान नहीं है, लेकिन भारत में आने वाले हर आत्मा के लिए स्वमान है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे नारी हो या पुरुष हो, लेकिन यहाँ पर आने वाले हर आत्मा के लिए ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्वमान है कि ऐसी आत्माएं जहाँ पर मनुष्य आत्मा माताएं जहाँ की माताएं देवी देवताओं को जन्म देती है और संसार में ऐसी श्रेष्ठ भूमि ये देवी देवताओं के कर्म भूमि से ये मानी जाती है। तो आज हम सभी यहाँ पर जो आए हमें आकर के यहाँ हमारे राजू भाई जी उनका परिवार और खास करके हमारे मेवालाल जी भाई पीराबेन जी ये शक्तिपीठ इन्होंने आकर के हमें आज खास यहाँ पर बुलाया और हमको इतने बड़े अच्छे कार्यक्रम में बुला करके हमारे जीवन के कुछ क्षण है जो भी बहुत आनंद से उत्साह से और प्यार से गुजारने के लिए आप हमें सहयोगी बने और खास करके आज हमारी माताजी जिन्होंने आज जाकर के उनका नाम ही है 16 कला संपूर्ण जो आते हैं उनका नाम ही है कलावती माता जिनके अंदर सारी कलाएं हमने यहाँ पर देखी हुई है। तो इसे खास कार्यक्रम में इस वातावरण में हमें आने के लिए चांस दिया इसलिए आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद और हमारी ओम शांति परिवार से हमारी माता जी को बहुत 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 ऐसी और लंबी आयु हो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही और माता जी की हम इस शताब्दी मनाएं। आप अमृत महोत्सव अभी मनाया है तो ऐसा समय आए कि हम यहाँ पर ही उनकी हो सकता है। इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति।
की जो शुरुआत है वो ओम मंडली से शुरुआत हुई है। तो सभी आप अपने हाथ घुटने पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे चाहे खुली रखो, मेरे साथ सभी बोलेंगे ओ शांति 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 ओम शांति। आज का प्रोग्राम बहुत ही आनंदमय मंगलमय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विद्यालय की ओर से, हमारे ओम शांति परिवार की ओर से, हमारे कला माता जी को बहुत बहुत जन्मदिन की 75वां जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सभी देख रहे हैं, हमारे आचार्य पंडित जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे और हम सभी सुन रहे थे, बात बहुत अच्छी है। सभी शास्त्रों में यही बताया गया है कि आत्मा जो है वो 84 लक्ष कोटि योनियाँ, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा आत्मा जो है वो 84 जन्मों का चक्र लगाकर इस कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा शिव निराकार इस धरा पर आकर हमें आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है कि कैसे संसार का 5000 वर्ष का चक्र है और इसमें हर एक मनुष्य आत्मा चाहे नर हो नारी हो वो 84 जन्मों का चक्र लगाकर इस कलयुग के अंत में फिर से परमात्मा हमें प्राप्त होता है और वह आकर हमें स्वयं की पहचान देता है कि आप कौन हो, आप सभी कौन बैठे यहाँ। हम सभी आत्माएं हैं, चैतन्य शक्ति जो भ्रुकुट के बीच में मस्तक में चमकता हुआ सितारा है। इतनी छोटी सी आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, आँखों से देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, ऐसे चैतन्य शक्ति वो आत्मा है और वह आत्मा वो परम पिता परमात्मा की संतान है। भगवान शिव का अवतरण इस धरा पर हो चुका है। अभी हम महाशिवरात्रि भगवान शिव का जन्मदिन मनाएंगे 18 फरवरी को। तो ऐसे परम पिता परमात्मा हमें सारी सृष्टि चक्र का बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं। इसको जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमार विद्यालय में आप जरूर आइएगा, आपका वेलकम है। लेकिन आज हम यही खुशी के तौर पर हम माता जी के लिए कहेंगे कि माँ शब्द, जिसे हमारे आचार्य पंडित जी ने कहा कि माँ शब्द का कभी आदि और अंत नहीं होता है, उनके हृदय में सबका स्थान होता है। माँ के हृदय में सभी माँ को सभी प्यारे लगते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जो भगवान से भी ऊँचा है। भगवान तो है हमारे माता पिता, लेकिन सेकंड हमारे माता पिता वो होते कि जो हमें जन्म देते हैं और जिसके द्वारा हम इस सृष्टि में आते हैं, रंगमंच पर आते हैं और अपना प्राण बजाते हैं। ऐसे हमारी कलावती माता जी, जिनके माना कल कमलों द्वारा आज बहुत अच्छी तरह से 75वां अमृत उत्सव मनाया गया। हमने भी पहली बार ऐसा देखा कि लौकिक और अलौकिक रीति से बहुत ही सुंदर रीति से देखने को भी मिला और सीखने को भी मिला। आज़ादी, भारत की आज़ादी के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में माता जी का भी मना 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव मनाया गया। माता जी कितनी भाग्यशाली हैं। गीते माताओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ऐसे भाग्य बनाने वाली हमारी कला माता जी शर्मा परिवार की ओर से माता जी ने अपने 2 पुत्रों को 3 पुत्रियों को जन्म देके सुसंस्कार डाल के आज अपने बच्चों को ऐसे मना जगह पर खड़ा किया है कि जो बाबा का नाम
गायत्री परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे राजू भाई शर्मा जी इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पूरा परिवार, हमारे संजू शेर, राजू शेर, उनके सारा परिवार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ है आज से 30-40 वर्षों से। उसके पहले हमारे राजू भाई यही कह रहे थे, दीदी मैं पहले गायत्री परिवार से जुड़ा था। गायत्री परिवार और ब्रह्मा कुमारी का बस एक ही हमारा महामंत्र है कि जो शिव शक्ति के द्वारा परमात्मा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, आप सभी जानते हैं। ये गायत्री परिवार की भी बहुत बड़ी संस्था है। हम सभी संस्था वाले एक ही हैं, बस इतना फर्क है कि उस परम पिता परमात्मा को और हम अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे द्वारा विश्व का नवनिर्माण का कार्य कर रहा है। और कार्य कराने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहनों को और माताओं के सिर पर उन्होंने ज्ञान का कलश रखा है। ऐसे हमारे कला माता जी का हम क्या महिमा करें। हम देख रहे हैं बहुत, मैं भी 30-35 साल से उस परिवार से जुड़ी है क्योंकि वो परिवार भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आते हैं, अपना तन मन धन लगाकर ईश्वरी परिवार के सहयोगी बने हैं और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा विशेष कोटों में कोई और कोई में भी कोई परिवार होता है जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आकर अपना इतना ऊंचा कार्य करने के लिए भगवान शिव ने उसको सद्बुद्धि दिया और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का कार्य इतना अच्छा बना हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो आप अवश्य आइएगा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में चोपड़ा नगरी के अंदर, और ब्रह्मा कुमारी संस्था का कार्य भी क्या है आप जरूर आइएगा। हमारे आचार्य पंडित जी से हम यही आह्वान करते हैं कि आप भी और मेरा दीदी भी चोपड़ा नगरी में आइएगा और ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का कार्य जरूर देखिएगा, क्योंकि हम भी यही बहने कार्य कर रही है कि विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना। अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। सत्युग लाने वाले ब्रह्मा कुमारी बहने नहीं, हम संस्था वाले नहीं, आप सभी मिलकर अगर इस कार्य में सहयोगी बनेंगे तो वह स्वर्ग दूर नहीं है, वह नज़दीक है। आज और कल ऐसे स्वर्णिम दुनिया लाने के लिए परम पिता परमात्मा वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारे सेकंड माता पिता, हमारे लौकिक माता पिता होते हैं जो हमारी कला माता जी और उनका लौकिक परिवार। आप सभी देख रहे हैं कि बाबा उनके द्वारा शिव बाबा बहुत अच्छी सी सेवाएं करा रहा है। 8 दिन पहले ही मधुबन में फ़ोन आया था हमारे राजू भाई जी का कि दीदी आपको ज़रूर आना है, माता जी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। हमने कहा, हम दिल से कहा कि हमारा सारा परिवार आएगा और हमें भी यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारा माउंट आबू है, ऐसे हमारा पीस पार्क है जहाँ बहुत बगीचे फूल है, रहने के लिए स्थान है। सेम टू ऐसा ही यहाँ भी लगा, मधुबन जैसा ही एरिया लगा। हाँ, तो यहाँ भी आने का हमें परम सौभाग्य मिला। ये भी हमारे आचार्य पंडित जी, हमारे मीरा दीदी और हमारे राजू भाई शर्मा जी, उनके परिवार की ओर से हमें यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के परिवार को आने का चांस मिला। ऐसे हम यहाँ आते रहेंगे, आप सभी से मिलते रहेंगे, ऐसे हम फिर से माता जी को बारम्बार हम विद्यालय की तरफ से धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप जियो हजारों साल, साल की दिन हो 50,000। जैसे हमारे भाई जी ने कहा कि माता जी का शताब्दी मनाएंगे, सेंचुरी मनाएंगे, तो अवश्य माता जी की उम्र बढ़े, माता जी की आयु बढ़े। हमारे शिव बाबा की ओर से, हमारे ब्राह्मण परिवार की ओर से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सदा हरा भरा रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति।
परि